अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं ठीक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके लिए बहुत इजी और क्विक रेसिपी लाई हूँ, चिकन टिक्का बोटी। और आप इसको मीट में भी बना सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ लिए हैं चिकन, बोनलेस चिकन पीसेस लिए हैं। आप चाहें तो होल चिकन भी ले सकते हैं, उनके पीसेस कर लें और कट लगा लें। और इसमें हम ऐड करेंगे दो लेमन, उसको स्क्वीज़ कर लें। लेमन जूस है तो वो यूज़ कर लें। अगर लेमन नहीं है तो आप योगर्ट यूज़ कर लें, दही, मगर ज़्यादा नहीं डालना। इसमें अब हम डालेंगे मसाले, जिसमें मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च, तकरीबन मैंने डाली है 1.5 टीस्पून। आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर लें। और सॉल्ट डालना है, मैं यूज़ कर रही हूँ हिमालयन सॉल्ट, जिसे पिंक सॉल्ट कहते हैं पाकिस्तान का। और ये आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में ये पाकिस्तान से जा रहा है और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, तो कोशिश किया करें कि आप ये यूज़ करें। और यहाँ 1/2 टीस्पून ब्लैक काली मिर्चें डाल देनी है इसमें, 1/2 टीस्पून जो है ज़ीरा पाउडर, ये ऐड कर दें। और 1 टीस्पून आपने इसमें ऐड कर देना है चाट मसाला, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अगर आपके पास तंदूरी या टिक्का मसाला है तो वो डाल दें। मैं तंदूरी मसाला डाल रही हूँ, तकरीबन 2 टीस्पून। और 1 टीस्पून इसमें मैं डालूँगी गार्लिक पेस्ट और उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छा, इसका कलर ज़रा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने इसमें फूड कलर ऐड कर दिया, ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो ऐड करें, वरना ना ऐड करें। तो इसको अच्छे से मिक्स करके आपने 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। और कोशिश करेंगे, अगर ओवरनाइट रखते हैं तो बेस्ट, बहुत मज़े का, जूसी और मज़े का बनेगा। तो इसको हमने अब कवर करके रख देना है। अच्छा, मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल डाला है पैन में, या कढ़ाई ले लें जिसमें भी। और क्योंकि मैं पूरा चिकन नहीं अभी बनाऊंगी, मैं इसमें से हाफ जो है वो कुक करूंगी, बाकी जो है वो ज़िप लॉक बैग में फ्रीज़ कर दूंगी। तो इस तरह आप मैरिनेट, एक साथ ही चिकन को मैरिनेट करके और ज़िप लॉक बैग में फ्रीज़ भी कर सकते हैं, पैकेट्स बना के रख लें। बड़ा इजी रह जाता है लंच बॉक्सेस के लिए, या बाद में आपने अचानक से अगर कोई मेहमान वगैरह आ जाए तो भी बहुत हैंडी हो जाता है। अब इसको मैंने मीडियम हीट पे 5 से तकरीबन 7 मिनट जो है इसको फ्राई करूँगी अच्छे से। अभी ये पानी भी छोड़ेगा चिकन, तो अभी इसको कवर नहीं करना। अच्छा, 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी, ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। और ये देखिए, अब तकरीबन आठ मिनट बाद जो है, आप ये देखिए पानी है अब इसमें, तो चिकन जो है वो हमारा गल गया है। मगर इसको मैं ड्राई आउट कर लूँगी, और आपने हीट चूल्हा तेज़ करके उसको आपने ड्राई आउट कर लेना है। और ये देखें, चिकन टिक्का बोटी जो है वो रेडी हो गई है, और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो मैंने यहाँ वेजिटेबल कुछ स्टीम किए हैं, उनके साथ हम इसको ट्राई करेंगे। आप चाहें तो नान और रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर किसी वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।